नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है ओरेकल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने उबंटु सिस्टम में। तो इंस्टॉल करने के लिए बड़ा ही सिंपल स्टेप है कि आप ओरेकल नहीं, वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल का ही वर्चुअल बॉक्स है वैसे। तो यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप कीजिए वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट लिंक ही खुलेगा virtualbox.org। तो virtualbox.org का वेबसाइट खुल चुका है, देख सकते हैं ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स है। तो इस पर क्लिक कर देना है, इसका वेबसाइट को खोलना है। खुल जाओ सिम सिम, स्काई इज क्लियर, 40.5 डिग्री सेल्सियस ना। तो इसका वेबसाइट खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 6.0 है। तो इस पर हमको क्लिक कर देना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें आपको विंडोज़ होस्ट के लिए डाउनलोड करना है, या विंडोज़ एक्स सॉरी OS X होस्ट के लिए, या लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या सोलरिस होस्ट के लिए। तो विंडोज़ के लिए हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सोलरिस इंस्टॉल नहीं हो रहा है, उसको इंस्टॉल करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का अभी कर रहे हैं, OS X होस्ट अभी मेरे पास नहीं है तो उसका बात नहीं करेंगे। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्लिक कर लीजिए, आपका कोई सा भी लिनक्स हो, कोई सा भी लिनक्स, डजंट मैटर कि आप कौन सा लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, आपका जो भी लिनक्स है यहाँ पे लिस्ट है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मेरा उबंटू 18.10 है तो ये सबसे ऊपर वाला होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो हम उतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो चलिए सीधे इंस्टॉलेशन पे। ये .debian फाइल जो है सो बेसिकली क्या बोलते हैं डाउनलोड करता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद लिनक्स, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स। तो जहाँ पे वो जो फाइल डाउनलोड किए होंगे उसको डबल क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अपने आप पैकेज मैनेजर खुल जाएगा, उसको इंस्टॉल करने का जो है सो बोलेगा। सॉफ्टवेयर सेंटर खुलता है, वैसे पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर सेंटर बात बराबर ही हो गया। तो मेरा सॉफ्टवेयर सेंटर खुल रहा है, पता नहीं क्यों हमेशा सॉफ्टवेयर सेंटर, अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट भी रहता है तो खुलने में टाइम लेता है, वो बड़ा अजीब बात है। मेरे ख्याल से बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों, इसको तो खुल जाना चाहिए, नेट का कनेक्शन का इसमें ज़रूरत भी नहीं है फिर भी। तो तब तक के लिए हम वीडियो पॉज कर देते हैं, उसके बाद जब हाँ तो आ चुका है, खुल चुका है, जो भी हो चुका है सब कुछ हो चुका है। तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एज ऑलवेज जो है सो अगर आपका सिस्टम यूज़र पासवर्ड मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता तो ठीक नहीं है, मतलब वैसे भी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो मांगा इसलिए हम डाल दिए। उसके बाद ये क्या हुआ, इंस्टॉलेशन पे क्लिक किए, पासवर्ड डाले, फिर भी इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉलिंग बोल रहा है लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ, व्हाट द फक, क्या हो रहा है यार। प्रॉब्लम हो गया ये तो, वर्चुअल बॉक्स 6.0 पता नहीं क्यों इंस्टॉल नहीं ले रहा है, हम फिक्स करके आते। सो आई डोंट नो वाई, बट वो जो है सो काम नहीं किया, वो जो तरीका था सीधे डेबियन फाइल डाउनलोड करने का, वैसे काम तो करना चाहिए, बग्स है इसमें, पता नहीं क्यों काम नहीं किया। मगर हम आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, तो ये दूसरा तरीका है कि आप टाइप कीजिएगा sudo apt install virtualbox। ये कमांड रन करने के बाद पासवर्ड आएगा ऑब्वियसली, और उसके बाद बोल रहा है कि नीड टू गेट 57.3/58.4 MB ऑफ आर्काइव, नियरली 100 समथिंग MB का डाउनलोड करेगा। उसके बाद बोल रहा है आफ्टर दिस ऑपरेशन 240 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज। उसके यहाँ पे यस क्लिक कर देना है और एंटर मार दीजिएगा, तो ये जो है सो बेसिकली
इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ओके तो क्या बोलते हैं, हम कर ले क्या? मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा हमको इंस्टॉल करने में, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही स्लो है। 1 GB का जो है सुराटा होता है जियो वाला, वो पूरा कर चुके हैं हम, इसलिए 1.5 GB का, तो इसलिए फ़िलहाल हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली मैं इसके बाद इंस्टॉल हो जाना चाहिए। हम सबसे ईजिएस्ट वे बता रहे थे कि पहले ही हम जो है सो क्या बोलते हैं उसका इंस्टॉल कर चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर काम नहीं किया। फिर से वर्चुअल बॉक्स जो है सो इससे टर्मिनल से इंस्टॉल करना पड़ा। देख सकते हैं 15.2 KBPS दे रहा है, इतना स्पीड में क्या होगा, इतना स्पीड में तो कुछ नहीं उखरने वाला है। 50 मिनट 33 सेकंड बोल रहा है सिर्फ 2 MB का डाउनलोड करने के लिए। तो इसलिए इसके बाद प्रोसीजर कुछ नहीं है, इसके बाद ये अपने आप कर लेगा, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इससे पहले हम विंडोज़ का ही बना चुके हैं, अगर देखना है विंडोज़ का कैसे बना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बड़ा ही ईजी प्रोसेस है उसका भी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सॉरी हम आपको दिखा नहीं पाए कि मतलब इंस्टॉल करने के, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उम्मीद करता है वो वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।